हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं सुपर टॉय E88 ड्रोन की। ये ड्रोन मैंने अमेजोन से मंगवाया था। ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। ये ड्रोन बॉक्स की जगह बैग में आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हैं। इस ड्रोन का बाइंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इस ड्रोन की अनबॉक्सिंग, फुल रिव्यू एंड फ्लाइट टेस्टिंग देखने जा रहे हैं। सो आप वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ड्रोन रिव्यूज के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये रहा गाइस मेरे हाथ में सुपर टॉय E88 ड्रोन। सो हम इसको जल्दी से खोल लेते हैं। खोलने के लिए आपको एक जिप दी गई है और ये हमारा ड्रोन खुल चुका है। गाइस देखिए कितना कमाल का ड्रोन है। मैं ड्रोन को बाहर निकाल लेता हूँ। ड्रोन का वेट नॉर्मल है, जितना होना चाहिए उतना ही ड्रोन का वेट है। और हमें इसके बॉक्स में एक मिलती है बैटरी। मुझे लगता है यहाँ पे एक पहले से बैटरी लगी होनी चाहिए। हाँ जी, देखिए गाइस इस ड्रोन में आपको दो बैटरीज मिलती हैं। एक बैटरी आपको पहले से लगी हुई मिलती है और ये आपकी दो बैटरीज हैं आपको इन टोटल। इससे आपका फ्लाइट टाइम डबल हो जाएगा। और ये हमारे पास रिमोट कंट्रोलर, इसको हमें रखते हैं साइड में। और यहाँ पे हमें कुछ और पाउच दिया गया है। एक तो यूज़र मैनुअल है और एक इसमें कुछ पैकेज में कुछ एक्सेसरीज दी गई हैं। सो इसको हम रखते हैं साइड में। अभी हम देखते हैं ड्रोन को। गाइस ये काफ़ी कमाल का ड्रोन है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और इसको हम जल्दी से अनफोल्ड कर लेते हैं। ये फोल्डेबल ड्रोन है। इसको अनफोल्ड करना काफ़ी ईजी है। आपको सिर्फ इसके आर्म्स को ऐसे खोलना होता है। ये हमारा ड्रोन अनफोल्ड हो चुका है। गाइस देखिए काफ़ी बड़ा ड्रोन लग रहा है अब, और काफ़ी इसकी लुक्स भी अमेजिंग आ रही हैं। सो मैं इसको आपका ओवरव्यू दे देता हूँ। इसके ऊपर आपको एक पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है। यहाँ पे एक लाइट है, इंडिकेटर ब्लू कलर की लाइट, और पीछे भी आपको एक ब्लू कलर की लाइट मिलती है। और आगे इसके आपको दो वाइट LEDs एंड एक कैमरा मिलता है। कैमरा एडजस्टेबल है और कैमरे की रेजोल्यूशन 2 मेगापिक्सल है और ये आपको 720p वीडियो रिकॉर्ड करके देता है। सो कैमरा को आप कई जगह पर एडजस्ट कर सकते हैं। इसके एंगल 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री एंगल पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और नीचे इसके वाईफाई एंटीना दिया गया है। और ये रहा ड्रोन का ओवरव्यू। सो अभी हम चलते हैं रिमोट पे। रिमोट पे भी आपको सभी फंक्शंस के बटन दिए गए हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे स्पीड कंट्रोल, फ्लिप्स के लिए बटन, ट्यूनिंग के लिए बटन, 1 की टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लिए बटन दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको हेडलेस मोड के लिए भी बटन मिलता है। ये जॉयस्टिक्स हैं। और इसके पीछे आपको ड्रोन के रिमोट के पीछे आपको बैटरीज लगानी होती हैं। सो गाइज मैं आपको एक बात बता दूँ, मुझे ड्रोन के बॉक्स के साथ ही बैटरीज मिल गई थी। ये सेलर पर डिपेंड करता है कि वो आपको बैटरीज दे या ना दे। मुझे तो मिल गई थी, सो काफ़ी अच्छी बात है। ये रही गाइज वो बैटरी, और ये कुछ विक्टर की बैटरी है, मुझे उसके साथ ही मिली थी। सो मैं इसको जल्दी से लगा लेता हूँ रिमोट में। रिमोट में आपको 3 बैटरीज लगानी होती है। हमारी बैटरीज लग चुकी हैं और रिमोट हमारा रेडी है। सो इसके रिमोट के नीचे आपको मोबाइल होल्डर भी मिलता है। इसमें आप अपना मोबाइल लगा सकते हैं। और हम देख लेते हैं इसकी बाकी की एक्सेसरीज। सो ये रही वो एक्सेसरीज। मैं इसको जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। गाइस इसमें आपको पहले तो मिलते हैं इसके 4 प्रोपेलर गार्ड, जो कि काफ़ी ज़रूरी हैं ड्रोन की सेफ्टी के लिए। आप इनको लगा कर रखें। और इसमें आपको एक मिलती है चार्जिंग केबल। ये भी हम इस ये आपको माइक्रो USB मिलती है एक्चुअली। और आप इसको बैटरी में कुछ इस तरीके से लगा कर बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और आपको मिलते हैं 4 प्रोपेलर, एक्स्ट्रा प्रोपेलर, जो अगर आपके डैमेज हो जाए तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और हमें मिलता है एक स्क्रू ड्राइवर। और यहाँ पे हमें मिलते हैं कुछ ड्रोन के गियर्स। एक्चुअली ये इन्होंने दे दिए, मुझे लगता है ये काफ़ी सेलर्स नहीं देते हैं जो ड्रोन के बॉक्स में नहीं आते हैं। सो आप इनको ध्यान से रखें। ये तब काम आएंगे जब आप ड्रोन को काफ़ी उड़ा लेते हैं, काफ़ी लंबे समय तक आप ड्रोन यूज़ करते हैं, तो जो यहाँ पे इसके जो गियर्स होते हैं वो घिस जाते हैं फ्रिक्शन के कारण, हीट के कारण, क्योंकि प्लास्टिक के होते हैं और ये ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते। सो आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं। इनमें दिए हैं ये गियर्स, और ये कुछ छोटे वाले भी दिए हैं जो मोटर के आगे लगते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है, इन्होंने बॉक्स में दे दिए हैं। वैसे काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं, आपको मिलेंगे नहीं इतनी आसानी से। और इसमें आपको 2 स्क्रूज और मिलते हैं लास्ट में। ये ड्रोन मुझे लगता है इसका क्या काम होगा, यहाँ पे मे बी इसके आप बैटरीज लॉक कर सकते हैं। गाइस अभी हम ड्रोन में प्रोपेलर गार्ड लगा लेते हैं। सो आपको प्रोपेलर गार्ड लगाने के लिए इसको कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना होता है।
और ये बहुत आसानी से लग जाते हैं, इसमें आपको कोई पेच कसने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो मैं जल्दी से इसके चारों प्रोपेलर गार्ड लगा देता हूँ। ऑलराइट गाइज, हमारे चारों प्रोपेलर गार्ड्स लग चुके हैं और ड्रोन और भी बड़ा लगने लग गया है। और अभी मैं आपको ड्रोन के कैमरा को फ़ोन से कनेक्ट करने बताता हूँ। आपको इसके यूज़र मैनुअल में दो QR कोड मिलते हैं, आपके मोबाइल वर्जन के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। सो अभी मेरे पास iOS के डिवाइस है, सो मैं इसका iOS वाला QR कोड स्कैन करूँगा। आपको अपने मोबाइल का कैमरा ओपन करना है और इस QR कोड को स्कैन करना है। सो मैं इसको iOS वाला QR कोड स्कैन कर लेता हूँ। सो गाइज, ये रहा इसका KYFPV ऐप। ये मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, सो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये ऐप खुल चुका है और आपको अब ड्रोन को पावर ऑन करना है। गाइज, ये हमारा ड्रोन पावर ऑन हो चुका है और अभी मैं ऊपर से इसको वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ और अभी मैं इसका स्टार्ट प्रेस करता हूँ। सो अभी इसका गाइज, देखिए गाइज, इसका कैमरा एक्टिवेट हो चुका है। सो अभी आप देख सकते हैं इसका कैमरा क्वालिटी। गाइज, आप इसका कैमरा क्वालिटी देख सकते हैं। सो अब मैं ड्रोन के रिमोट में अपने फ़ोन को अटैच कर देता हूँ। ये अटैच हो चुका है हमारा फ़ोन। और आपको अब मैं बता देता हूँ ड्रोन को कैसे फ्लाई करना है। अभी आपको रिमोट में बैटरीज इंसर्ट कर चुके हैं हम, तो रिमोट को मैं ऑन कर देता हूँ। सो आपको इसके जॉयस्टिक को एक बार ऊपर करना है और एक बार नीचे करना है और ये हमारा ड्रोन से रिमोट कनेक्ट हो चुका है। सो मैं इसको ऊपर करूँगा और ये हमारा ड्रोन रेडी टू फ्लाइट है गाइज। सो अभी हम इसको लेकर चलते हैं बाहर और हम करते हैं इसकी फुल फ्लाइट टेस्टिंग। तो गाइस, हम बाहर आ चुके हैं हमारी ड्रोन की फ्लाइट टेस्टिंग करने। तो ये रहा हमारा ड्रोन, तो मैं इसको जल्दी से पावर ऑन करता हूँ और करते हैं हमारे फोन से कनेक्ट। ये गाइस, हमारा ड्रोन पावर ऑफ हो चुका है। सो अभी मैं जल्दी से इसको फोन से कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कनेक्ट करना है। एक सेकेंड, इसका ये ऐप है, आपको मैंने जो बताया था KYFPV ऐप, ये आपको इसको खोल, इसको वाईफाई से आपको ड्रोन से कनेक्ट कर लेना है। ये कनेक्ट हो गया गाइस और अब हमें दिखेगा इसमें कैमरा का व्यू। सो ये गाइस देखिए, आप कैमरा का व्यू देख सकते हैं, फोन में आ रहा है। सो हम जल्दी से इसकी करते हैं फ्लाइट टेस्टिंग, मैं आपको इसकी स्टेबिलिटी बता देता हूँ। सो आपको इसको फ्लाई करने के लिए एक बार जॉयस्टिक को ऊपर करना है और एक बार नीचे करना है। और हमारे ड्रोन से कनेक्ट हो चुका है। तो गाइस, आप देख सकते हैं ड्रोन की स्टेबिलिटी, कितना स्टेबल ड्रोन है। गाइस इधर देखिए गाइस, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर रहा, फिर भी ड्रोन अपने आप से उड़ रहा है। काफी स्टेबल, काफी अच्छा ड्रोन है। तो इसको आप कैसे भी उड़ा सकते, कोई भी उड़ा सकता है अपने से। इसको लेकर चलते हैं थोड़ी हाइट पर। सो गाइस, आपको एक कैम इसके एंटीनास खोले नहीं है ज्यादा रेंज के लिए, मैंने खोले इनसे। और गाइस, आप इसके प्रोपेलर गार्ड लगाकर उड़ाएं, मैंने इसके एक बार उतार दिए हैं। अगर आप उड़ा रहे हैं इसको पहली बार, तो आप उनको लगाना मत भूलिएगा। गाइज, ये रही थी फ्लिप इसकी, अभी फ्लिप करवाई थी। एक सेकंड, हम एक बार और करते हैं इसकी फ्लिप। ये देखिए गाइज, कितना अच्छे से फ्लिप कर रहा है गाइज। इसमें सभी फीचर्स हैं आपको, हेडलेस मोड और 360 डिग्री फ्लिप, 3 स्पीड मोड मिल जाते हैं। सो अभी इसके हम स्पीड थोड़ी चेक कर लेते हैं, कितनी स्पीड है इसकी। सो ये थर्ड स्पीड मोड पे है गाइज। वाओ,
सो गाइस अभी हम इसको लैंड कर लेते हैं। सो फाइनली गाइस हमारा ड्रोन लैंड हो चुका है, आपने देखा है कितनी अच्छे से उड़ता है। So, काफी अच्छा ड्रोन है ये 5000 के प्राइस सेगमेंट का, तो आप इसको खरीदने की सोच सकते हैं। गाइस इस ड्रोन में आपको दो बैटरीज मिलती हैं, एक बैटरी आपको 8 से 10 मिनट का फ्लाइट टाइम देती है, सो दो बैटरी से आपको लगभग 20 मिनट का फ्लाइट टाइम मिल जाता है। एक बैटरी अराउंड 45 टू 60 मिनट में चार्ज हो जाती है, सो दोनों बैटरी 2 घंटे में चार्ज हो जाएंगी, सो आप ड्रोन को 20 मिनट तक फ्लाई कर सकते हैं। इसका कैमरा भी काफी अच्छा है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको दिख जाएगी लास्ट में। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. So, बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।